सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छा होंगे और आप सभी को अपना इस चैनल अक्षय राज ब्लॉग्स पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम फिर से एक नए सफ़र पे हैं और आज हम आ चुके हैं रामानुगंज। रामानुगंज मेन सिटी अभी नहीं है, हम अभी जा रहे हैं पहाड़ी मंदिर, जो कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे या तो नहीं देखे होंगे, तो आज दिखाऊँगा मैं पहाड़ी मंदिर का नज़ारा। और जल्दी में है तो वीडियो अच्छे से शूट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी में है, और मैं सोचा आ ही गए हैं तो चलो पहाड़ी मंदिर माँ का दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए माँ का दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो फाइनली हम गेट के पास पहुँच चुके हैं और ये रहा आपका रास्ता, इसी रास्ता में हम चलेंगे अभी। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, बहुत ऊंचाई पे है तो हम बाइक को यहीं पे खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि बाइक ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, बट हम लोग यहीं पर खड़ा कर रहे हैं और अब पैदल यहाँ से चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे माता रानी के लिए मतलब नवरात्रि समय पोस्टर लगाए थे, और ये देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ होती है चढ़ने के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर के पास, जो कि एस सेकेंड गेट है, सेकेंड द्वार है, और इसी द्वार में हम चलेंगे और माता रानी के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हैं हम माता रानी के जस्ट सामने हैं और आप लोग दर्शन कर लीजिए माता रानी का, बहुत ही सुंदर यहाँ पे है मंदिर, और इधर साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है माता रानी की आरती वगैरह कराने के बजाने के लिए, और इधर बहुत ही अच्छा इंटरफेस है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का। और इधर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इधर नारियल वगैरह बांधे हुए हैं भक्त लोग बहुत सारे, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए। और फाइनली हम लोग दर्शन करने के लिए बस आए थे, ये मैं वीडियो बनाने नहीं आया था, बट आया हूँ तो यहाँ पे वीडियो शूट कर ले रहा हूँ, देख लीजिए। और बहुत सारे यहाँ पे देखिए चारों तरफ घंटा बांधे हुए हैं। और चलिए बैक कैमरा से हम यहाँ का बैकग्राउंड आपको दिखाते हैं किस टाइप से है यहाँ का बैकग्राउंड, बहुत ही सुंदर मुझे लगा। दोस्तों, यही माता रानी है, माँ दुर्गा, आप लोग दर्शन कर लीजिए, हम तो दर्शन कर लिए। ठीक है, फोटो एक नंबर का आता है रे यहाँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं हम कितना ऊंचाई पे चढ़ गए हैं, और ए हमारे चंदू साहब, हाय हाय। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा रामानुगंज दिखाई दे रहा होगा आपको, वहाँ पे पूरा सफेद सफेद, पूरा इतना ऊंचा पे हम लोग चढ़ गए, पूरा रामानुगंज दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं पीछे साइड बैकग्राउंड में। और इधर शायद मैं तो गया नहीं हूँ, बट अगली बार आएंगे तो ज़रूर जाएंगे, शायद
इधर रमानुगंज पार्क है जो कि वन वाटिका पार्क है, बहुत ही सुंदर पार्क है, वो भी मैं वीडियो में देखा हूँ, मैं गया नहीं हूँ। तो अगली बार आएंगे रमानुगंज तो ज़रूर जाएंगे वन वाटिका पार्क। और हम आज बस ऐसे ही आ गए थे, कुछ काम था रमानुगंज में तो आ गए थे, तो ऐसे ही मैं वीडियो शूट कर। देख सकते हैं उधर आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा होगा कितना हम लोग ऊंचाई पे हैं अभी। और इधर माता रानी के मंदिर के जस्ट सामने एक हनुमान मंदिर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और हम ओनली दर्शन करने के लिए आए थे, आज हम पूजा पाठ करने नहीं आए हैं, बट दर्शन कर लिए और जल्दी में है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।